नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी और बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के हाथों में दिया है सौंप। होलिका दहन की तैयारी हुई पूरी, मध्य रात्रि में की जाएगी होलिका दहन। और होली को लेकर के बाबा गरीबनाथ का भस्म और गुलाल से किया गया महाश्रृंगार। ये थी आज के प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर के गांव तक होलिका दहन की तैयारी पूरी कर ली गई है। मध्यरात्रि में पूरी विधि विधान के साथ होलिका दहन की जाएगी। शहर में लोगों पर होली का खुमार पूरी तरह से चढ़ चुका है। बच्चे व युवा होली के उमंग में पूरी तरह से डूब चुके हैं। महिलाएं पकवानों की लिस्ट बनाने में जुटी हैं। शहर से लेकर गांव तक होलिका दहन की तैयारी पूरी कर ली गई है। चौक चौराहों पर लकड़ियां आदि जुटा लिए गए हैं। शाम में महिलाएं होलिका दहन के स्थान पर पहुंचकर पूजा अर्चना करेगी और सुख समृद्धि की कामना करेगी। शहर में सरैयागंज के अलावा गोला रोड, सिकंदरपुर, रानी सती मंदिर, करबला सिकंदरपुर पथ, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, कलमबाग चौक, अगोरिया बाजार, भगवानपुर, अतर दह, जीरो माइल, माली घाट, पानी टंकी मिठनपुरा, इमली चौक, बेला, संस्कृत कॉलेज रामबाग, माड़ीपुर आदि जगहों पर होलिका दहन होगी। मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने होलिका दहन से पूर्व ठंडी होलिका पूजन करने की परंपरा का निर्वहन करते हुए रोली, अक्षत चावल, अबीर, रंग गुलाल, फल फूल और घर में बनाए गए पकवानों से विधि विधान से पूजन किया। महिलाओं ने होलिका स्थल की परिक्रमा लगाते हुए मंगल गीतों का गायन कर होली की खुशियां मनाई। रात्रि में होलिका दहन के समय मारवाड़ी समुदाय की नव विवाहिताएं दहन होती होलिका की परिक्रमा करेंगी और अपने सुहाग की सलामती की प्रार्थना करेगी। यहाँ पे हर साल के तरह इस साल भी श्री ओम परिषद गणेश पूजा समिति द्वारा बरसों से होली का दहन हो या होली मिलन की व्यवस्था पूरे समाज के लिए किया जा रहा है। पूरे शहर वासियों को पहले तो हैप्पी होली, सब लोग को माता का आशीर्वाद बना रहे। बरसों सालों से 100 साल पुराना यहाँ से समझ जलते आ रही है। हम लोगों दादा परदादा के समय से ही समझ जलाया जा रहा है। कितने लोग शामिल होते हैं लगभग समझ में तो हजारों की संख्या मारवाड़ी समाज के लोग जो है हर साल बहुत ही बन ठन करके मैया के आशीर्वाद लेने आते हैं और पकवान में जो है पकवान भी लेके आते हैं। पूरी है, हलवा है और आपको पकवान में बड़ी बड़ी ये सब है। उसके अलावा दीपक लाते हैं, दीपक जलाते हैं और मैया का आशीर्वाद अभी लेंगे। अभी से 11 बजे से चालू हुई है पूजा, वो आपको जब तक वो लोग आएंगे तब तक ये पूजा चालू रहेगी और आज ही रात्रि 12:30 पे होली का दहन होगी। कल पूर्णिमा हम लोग रखें और परसों यहाँ पे आइए। कैसा तैयारी करते हैं आप लोग? हम लोग पूरा खाना प्रसाद बना के आते हैं और फिर यहाँ पे ठंडा रोटी करके खाते हैं ना, हम लोग ठंडा खाते हैं, फिर आपको फिर आएंगे 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद होली का दहन करेंगे? हाँ, 12:30। क्या नाम हो गया? मोनिका। यहाँ पे होलिका दहन करने आते हैं, क्या कुछ परंपरा के साथ आप लोग होली का होली मनाने के लिए आते हैं? ठंडा हम लोग खाना खाते हैं होली के अथी पे। ये मुजफ्फरपुर में जब से मारवाड़ी समाज आए हैं करीब 300-400 साल से यहाँ होलिका दहन, शहर का प्रथम होलिका दहन यहाँ पे होते आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी चीज़ जलाया जाए, शुद्ध गोईठा है, आम की लकड़ी है, धूप है, नारियल है, हवन के रूप में यहाँ होलिका दहन हर साल होते आ रहा है यहाँ पर। और मारवाड़ी समाज का खास लगाव इस पूजा से है। सुहागिन और जो इस बार जो शादी हुआ है वो लोग आज शाम में रात होलिका दहन के बाद परिक्रमा लेंगे और होली विशेष रूप से लोग मनाने जा रहे हैं। होलिका दहन ऐतिहासिक होलिका दहन है भक्त प्रहलाद के पूजा के साथ और साथ में आचार्य श्री विष्णु शर्मा जी के द्वारा पूजा होगा और मोतीलाल छपरिया जी के द्वारा होलिका दहन होगा। जिले में पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी और बिहार की जनता को राजद के हवाले कर चुके हैं। एक्शन तो पूरे के पूरे तौर पे ऐसा एक्शन है जैसे लग रहा हो कि नीतीश कुमार जी डिप्टी सीएम है और तेजस्वी यादव सीएम है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा,
मीडिया के बंधु ने उनसे सवाल किया मंत्री परिषद का विस्तार कब होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। अब बताइए डिप्टी सीएम का विषय होता है क्या, यह विषय सीएम का होता है? तो इस तरह की स्थिति आरजेडी के लोगों ने बना दी है, महज औपचारिकता बाकी है, बाकी तो सब हर तरह से आरजेडी के जिम्मे ही पूरा शासन चला गया है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। विरासत बचाओ और नमन यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा एक नई पार्टी का गठन भी कर चुके हैं और राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी का एक नया पार्टी का नाम कहे। इस दरमियान प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने साफ कहा कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार आरजेडी के हवाले कर चुके हैं, बस महज कुछ दिन बचा हुआ है और मेरे अलग होने के वजह से तेजस्वी अभी रुके हैं, नहीं तो कब के मुख्यमंत्री होली से पहले बन जाते हैं। एक और बड़ी बात कही है कि किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा में नहीं जाएंगे, अगर गए तो इस बार बिहार की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले उपेंद्र कुशवाहा की बातें आप सुन लीजिए। अब जो भी कुछ बचा खुचा है सब समाप्त करवा दीजिए क्या, उनका बीजेपी में फिर से गए तो जनता भाषण करने देगी उनको? भाई व्यक्तिगत भी तो कुछ होता है, राजनीति से अलग नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत चेहरा भी एक रहा है और मैं भी उनका आदर सम्मान सत्कार मन से दिल से करता हूँ एक व्यक्ति के रूप में, मेरे लिए आदरणीय है आज भी। लेकिन जो भी आदरणीय है न सिर्फ मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, अब फिर से अगर उस तरह से करेंगे नीतीश जी तो फिर क्या बचा रह जाएगा राजनीति? जाने पर मेरी सहमति थी, विरोध की बात छोड़ दीजिए साफ है, महागठबंधन में जाने पर मेरी भी सहमति थी। जेडीयू ने जो महसूस उस वक्त किया उस कारण से आदरणीय नेता ने तय किया नीतीश जी ने, हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है अगर पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है तो आप गठबंधन बदलिए, लेकिन एक शर्त है, गठबंधन गठबंधन की तरह हो, गठबंधन आत्मसमर्पण के लिए ना हो, लीडरशिप नीतीश कुमार जी का रहे। लीडरशिप नीतीश कुमार जी का अगर रहता महागठबंधन के बाद भी तो बिहार के लोगों ने 2015 में तो उस महागठबंधन को वोट दे ही दिया था, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का लीडरशिप था। हम वैसा ही गठबंधन की बात कर रहे थे और यह बात हमने साफ साफ कही कि उस तरह का गठबंधन अगर है तो मेरी सहमति है। तो गठबंधन बनने के बाद बातें बदल गई, उस वक्त तक यही था कि उसी तरह का गठबंधन रहेगा जैसा 2015 में, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के हवाले, वहां से मेरा विरोध शुरू हुआ। सर ये जो आप भाजपा के पास जाने की बात में आपको कहीं ना कहीं बाधा नजर आ रही है, कैसे बिहार को बचाएंगे? नहीं नहीं हमने अपने बारे में नहीं कहा, वो नीतीश जी के बारे में सवाल किया तो व्यक्तिगत रूप से हमने कहा नीतीश, हम अपनी बात हम बता रहे हैं उस पर आपका सवाल है। अभी तो 10 से 15 दिन हुआ है हमने पार्टी बनाई है, हम और हमारे साथियों ने पार्टी बनाने के बाद यात्रा तय कर लिया, हम लोग निकल पड़े हैं अपनी पार्टी के साथ। गठबंधन किससे हो, गठबंधन से हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आज की तारीख में देश में अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए तो, जो बिना गठबंधन के नहीं चल रही, तो हम अपनी पार्टी के लिए गठबंधन से पूरे तौर पर इनकार कर जाए यह हम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ गठबंधन हम करेंगे तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे कि जो लोग बिहार को बचाने की इस मुहिम में सहायक होंगे हम उनके साथ राजनीतिक दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन उसमें अंतिम और प्रथम यात्रा अंतिम दिन है, क्या आपने विरासत को बचाने के लिए कितनी सफलता मिलेगी? नहीं हम तो बता रहे हैं कि ऐसा यात्रा के क्रम में कि जो डिसीजन हमारा था उस डिसीजन पर बिहार की जनता ने मुहर लगा दी क्योंकि इतना व्यापक समर्थन हमको दिख रहा है। हाँ पटना में बैठकर जो खबर साथियों से हमने ली थी, 2 दिन बैठ कर वहां मंथन किया था, उसमें हमारे साथी बता रहे थे कि बिहार के लोगों की भावना नीतीश कुमार जी के उस डिसीजन के खिलाफ है, वहां बैठकर हमने सुना था, लेकिन गांव में आने के बाद लगा कि साथियों ने जितनी जानकारी दी उससे ज्यादा लोगों के मन में व्यग्रता थी। तो जनता की भावना के का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया और गांव में आने पर यह बात प्रमाणित है
कि हमने जनता की भावना को सही समझा। एक लास्ट मेरा सवाल है कि आप लोग कह रहे थे कि जो फरवरी या फरवरी के लास्ट में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और तेजस्वी के हाथ में जाएगा, लेकिन फिर तो ऐसी कोई बात नहीं, दोनों बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है? तेजस्वी। अरे भैया तेजस्वी, आप उनके विधायक रोज क्या कह रहे हैं? उनके विधायक एक नहीं, कई विधायक रोज बोल रहे हैं, कोई कह रहे हैं होली के बाद, कोई कह रहे हैं खाली कीजिए जाइए। अब देखिए, कोई विधायक किसी पार्टी का इस तरह से बिना नेता की मर्जी का बोल सकता है क्या? लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसी बात की जा रही। हमने अभियान की शुरुआत कर दी तो इसलिए थोड़ा कदम उन लोगों का अभी रुक गया है, ठिठक गया है, बाकी अंदर में सारी चीजें तय है। और एक चीज और समझ ली, ठीक है शपथ ग्रहण अभी नहीं हुआ है उस रूप में, लेकिन एक्शन क्या है? एक्शन तो पूरे के पूरे तौर पे ऐसा एक्शन है जैसे लग रहा हो कि नीतीश कुमार जी डिप्टी सीएम है और तेजस्वी यादव सीएम है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा, मीडिया के बंधु ने उनसे सवाल किया मंत्री परिषद का विस्तार कब होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। अब बताइए, डिप्टी सीएम का विषय होता है क्या? यह विषय सीएम का होता है। और इतना ही नहीं, अब ढाई घंटा तक बैठकर मुख्यमंत्री इंतजार करे अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य का एक सरकारी कार्यक्रम में, आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान में संभवतः देश की यह पहली घटना होगी। तो इस तरह की स्थिति आरजेडी के लोगों ने बना दी है, महज औपचारिकता बाकी है, बाकी तो सब हर तरह से आरजेडी के जिम्मे ही पूरा शासन चला गया है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही है इससे साफ ये इसका इशारा ये है कि किसी भी कीमत को बिहार को आरजेडी के खेमे में, मतलब जनता को जाने नहीं देंगे और आरजेडी से बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। और इसके अलावा इस जिले में कई दूसरे दल के नेता भी इनकी नई पार्टी में शामिल हुए हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। वार्ड 25 के पार्षद उमा पासवान ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। होली को लेकर के पूरे शहर में धूम मच रही है। सभी लोग चाहते हैं कि अपने दोस्त परिजन और पड़ोसी सभी लोगों को इस होली के रंग में डुबो दे, कोई भी ना इस होली के रंग में छूटे। दरअसल आज होलिका दहन है और 8 मार्च को होली है। इसी को लेकर के आमगोला स्थित वार्ड 25 के पार्षद उमा पासवान की आवाज पर अपने वार्ड के जनता और सफाई कर्मी के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद ने कहा कि होली आपसी भाईचारे का त्यौहार है और अपने वार्ड के जनता जनार्दन के साथ होली का उत्सव मना रहे हैं। आज अपने आवास पर होली के उपलक्ष में अपने वार्ड के समस्त जनता के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। शुभम दिव्यांग संस्थान के परिसर में दिव्यांग बच्चों के बीच होली मिलन का समारोह का आयोजन किया गया। शुभम दिव्यांग संस्थान भगवानपुर में निर्मल अनुपम फाउंडेशन की ओर से दिव्यांगों के संग होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष सह पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री संजीव कुमार ने बताया कि उनका प्रयास रहता है कि दिव्यांगजन को भी समाज के मुख्यधारा से जोड़े। इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजित करती है। आज भी दिव्यांग भाइयों ने होली के मौके पर जमकर रंग एवं गुलाल उड़ाए तथा अपनी खुशी का इजहार किया। जो लोग देख नहीं सकते, न सुन सकते, न बोल सकते, उन्हें भी जमकर आज डांस किया एवं होली गीत ने लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया। शुभम के दिव्यांग बच्चे शिक्षक शिक्षिका एवं सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में होली के स्वागत गीत एवं होली गीत गाकर माहौल को खुशनुमा एवं रंगीन बना दिया। यह शुभम विकास संस्थान में जो है दिव्यांग बच्चों के बीच आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। ये आयोजन हम पिछले 7-8 वर्षों से करते आ रहे हैं। ये आज दिव्यांग बच्चों के बीच होली मिलन समारोह का मेरा उद्देश्य होता है कि हम दिव्यांग बच्चों के संग समाज के लोगों को जोड़कर उनके साथ होली खेलें। और आज यहाँ बच्चे बहुत ही रोमांचित थे, रंग गुलाल के गाना के साथ जो है बहुत सुंदर डांस किए हैं, बहुत सुंदर रंग गुलाल लगाए हैं और मौज मस्ती किए हैं। जो किस संस्था के द्वारा किया गया ये, हम निर्मल फाउंडेशन की ओर से प्रत्येक वर्ष करते हैं। मैं संजीव कुमार, अध्यक्ष निर्मल फाउंडेशन। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन, दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों के बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नी लाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस आप चले जाइए 3,000, 4,000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चले जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और
इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। मैं महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम, आप समस्त देशवासी, बिहार वासी एवं जिला वासी को हिंदू आस्था का महापर्व होली का हार्दिक शुभकामनाएं, और आप समस्त भक्तों से मेरा ये अनुरोध है कि ये पावन पर्व में मांस मदिरा का सेवन न करें, अपने घर पे पुआ पकवान बनाएं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, पर्व को मनाएं। यही मेरी कामना है। बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद आप समस्त देशवासी भी बना रहे। हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर बाबा गरीबनाथ का महासिंगार रंग अबीर तथा भस्म से की गयी। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी महाकाल सेवा दल की ओर से बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार रंग अबीर तथा भस्म से किया गया। इसके पूर्व बाबा गरीबनाथ धाम के महंत पंडित अभिषेक पाठक एवं पंडित आशुतोष पाठक जी ने दूध दही घी मद तथा शक्कर से अभिषेक कर पूजन आरती की। उसके बाद रंग बिरंगे फूलों से बाबा का महाश्रृंगार कर रंग अबीर तथा भस्म से होली खेली गई। उसके बाद भक्तों में प्रसाद स्वरूप पुआ का वितरण किया गया। इस दौरान बाबा गरीबनाथ दरबार में होली खेले मस्तानी दिगंबर भजन पर भक्त झूम उठे। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के सबसे बड़े त्योहार को दल की ओर से हर साल महाश्रृंगार सह होली मिलन के रूप में मनाया जाता है। वहीं उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत ने कहा कि हर साल दल की ओर से होली की पूर्व बाबा गरीबनाथ जी का अबीर तथा भस्म से महाश्रृंगार कर हम लोग होली मनाते हैं। हर साल के तरह इस साल भी फागुन माह के चतुर्दशी तिथि को महाकाल सेवा दल के द्वारा अबीर गुलाल और भस्म से बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार किया जा रहा है, और सबसे पहले दूध दही घी मद शक्कर से बाबा गरीबनाथ जी का स्नान करा के, उसके बाद अबीर गुलाल फूल भस्म से महाश्रृंगार करके, और समस्त देशवासी की शुभकामना के लिए बाबा गरीबनाथ जी का प्रत्येक माह के अमावस्या और जो भी पर्व महापर्व हुआ उसमें महाकाल सेवा दल के द्वारा महाश्रृंगार आरती किया जाता है। मैं महंत अभिषेक पाठक तरह इस बार भी बाबा गरीबनाथ जी का श्रृंगार करके हम लोग रंग गुलाल अबीर से होली की शुरुआत बाबा गरीबनाथ जी के दरबार से हम लोग आज करेंगे, और हम लोग अपने पूरे महाकाल सेवा दल के तरफ से बाबा गरीबनाथ जी का श्रृंगार किए हैं आज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गोल्ड जिम और शिमला होटल संयुक्त रूप से सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। वुमेन्स डे के अवसर पर मारीपुर स्थित गोल्ड जिम में महिलाओं का सम्मान समारोह सह होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाएं और युवतियां जमकर DJ की धुन पर थिरकी और मस्ती की। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। सिमला होटल और गोल्ड जिम के MD जुनैद खान ने बताया कि जिम की महिला सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं सिमला होटल ने महिलाओं के सम्मान में महिलाओं के बिल पर 20% तक की छूट दे रहे हैं। आज गोल्ड जिम मुजफ्फरपुर की तरफ से होली मिलन का आयोजन किया गया था, जिसमें गोल्ड जिम के मेंबर्स और बाहर के जो भी सर के विशिष्ट अतिथि थे और डॉक्टर्स जो भी लोग थे इसमें आकर आज भाग लिए, और उन्होंने आपस में रंग लगा के होली की खुशी आपस में बांटी और ये संदेश दिए कि हम लोग मिल के इस साल धूमधाम से होली मनाएंगे। कारण क्या कि 2 साल से कोरोना की वजह से सही से होली मन नहीं पा रही थी लोगों की, इसलिए इस बार धूमधाम से होली का आयोजन किया गया। खबरों का सिलसिला होता है यहीं समाप्त। हमें और हमारे सभी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।